अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नवीद यार खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई किताब के साथ। और आज की किताब है मुकद्दमा इब्ने खल्दून, अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने खल्दून का तहरीर करदा ये मुकद्दमा। एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उस किताब का जो 16 जिल्दों में शाया हुई किताबुल इब्र, तारीख की सबसे मुस्तनद किताब है वो। और ये मुकद्दमा जो है ये ख़ुद भी बहुत ही ज़्यादा मुस्तनद मुकद्दमा है। अल्लामा इब्ने खल्दून जो हैं वो फ़ादर ऑफ़ सोशल साइंसेस कहलाते हैं, यानी इल्म इमरानियात के बानी करार दिए जाते हैं। इसके अलावा अर्ली इकोनॉमिक थ्योरीज़ के भी जो है वो फ़ादर ही कंसिडर किए जाते हैं। ये इन्होंने जो है वो काज़ी गुज़ात का चीफ जस्टिस के अहदे पे ये फ़ाइज रहे, और फिर उसके बाद एक साजिश के तहत जो है वो जेल जाना पड़ा इन्हें। उसके बाद इन्होंने अपनी जो राइटिंग्स हैं उसके ऊपर प्रॉपरली कंसिड्रेशन दी और कंसनट्रेशन से उसको लिखा। इस मुकदमे में फ़लसफ़ा तारीख़ के ऊपर वो बहस करते हैं, वो बताते हैं कि भाई तारीख़ लिखने का फ़लसफ़ा क्या है और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो उनके पैरेलल में जो लोग तारीख़ लिखते हैं वो कर रहे हैं, या जो उनसे पहले लोग तारीख़ लिखते रहे हैं उन्होंने की हैं। वो 7 गलतियाँ जो हैं वो उसको पॉइंट आउट करते हैं और बताते हैं कि ये गलतियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, हर जो तारीख़दान है वो मौर्रिख़ है वो लिखता वो करता है, उसको अवॉइड करना उन्होंने कहा है कि ज़रूरी है। उसमें मुख्तलिफ हैं, जैसे कि अपने वसाइल पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा है, वाक़ियात को सयाक व सबाक से हटा कर पेश करना है, और अपने ऐसे जो माजी में या जो ऐसे लोग थे जो सीनियर अहदों पर फ़ायद से उनकी चापलूसी करके अपने लिए ऐसे फ़वाद हासिल करना जो कि नाजायज़ हैं, वो सब गलतियाँ जो हैं ये इस किस्म के मौर्रिख जो हैं वो करते रहे हैं। फिर उन्होंने वहीं पर ऐसे कुछ 6, 7 या 8 जो हैं वो रूल्स भी डिफ़ाइन किए हैं जो ज़रूरी हैं कि आप उसको जो है वो अगर आप तारीख़दान हैं तो उनको ज़रूर इख्तियार करें। और वहीं पर वो ये कहते हैं कि तारीख़ जो है वो भी एक तरह की साइंस ही है। अच्छा, इस किताब में इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि ये एक कम्प्रीहेंसिव स्टडी देती है आपको अबाउट सोशल बिहेवियर्स, आपको कल्चर की, आपको सोसाइटी की, सिविलाइजेशन की, आपको आर्मी की, इस तरह की इकोनॉमिक थ्योरीज इसमें आपको मिलेंगी कि कैसे जो है वो आप आने वाले दिनों में जो है वो अपने सोशल जो मामलात हैं, जो आपके मुआशरती मामलात हैं, उनको लेके चल सकते हैं और उनको बेहतर बना सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो आपको इस किताब में पढ़ने को मिलता है वो असबियत का कॉन्सेप्ट है, यानी नेशनलिज्म अगर आप इसे मॉडर्न लैंग्वेज में कहना चाहें तो, यानी अपनी कौम की तरफ आपकी जो मोहब्बत है, अपनी कौम के लिए जो आपका दर्द है, और उसके तहत ही कोई भी पावर में आता है, कोई भी हुकूमत जो है वो बनती है। तो वो ये कहते हैं कि किसी भी हुकूमत को, किसी भी कहना चाहिए सल्तनत के जो ख़ानदान हुकूमत कर रहा होता है वो 3 फेजेस से गुजरता है। उसमें पहला फेज़ या पहली जनरेशन आप कह लें, उसे 3 जनरेशन कहना चाहिए मेनली, कि वो जनरेशन वो होती है जो अपने ख़ानदान से या अपने कबीले से या अपनी उस कौम से करीब तर होती है और उनको उनका एहसास होता है, वो उनके मसाइल को हल करना चाहते हैं। फिर वो ज़ाहिर है वो जनरेशन सारी ज़िंदगी तो नहीं रह सकती, वो जनरेशन ख़त्म होती है, फिर एक सेकेंड जनरेशन जो है वो उसी ख़ानदान की जो है वो हुकूमत में आती है। अब ये सेकेंड जनरेशन जो है ये बेसिकली 50-50 डिवाइड हो जाती है, इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा तो अपने उस कबीले से नहीं रहता, अपनी उस असबियत से नहीं रहता, लेकिन थोड़ा बहुत ये कनेक्शन चूँकि इसके फोर फादर्स ने रखा होता है तो ये उसको कायम रखते हैं। और फिर ये ज़्यादातर थोड़ा सा शिफ्ट होना शुरू होते हैं टुवर्ड्स लग्जरीज़ कि यार मेरी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाए, मैं जो है वो अपना घर अच्छा सा बना लूँ, मैं एक अच्छी गाड़ी या अपनी जो है वो जो भी मसाइल जो ज़िंदगी के लग्जरीज़ के हैं वो हासिल कर लूँ। फिर एक थर्ड जनरेशन आती है जिसका असबियत से कतन ताल्लुक नहीं होता, वो बिल्कुल ही इस चीज़ को भूल चुकी होती है कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, मैं जो है वो किसी मखसूस कहना चाहिए एजेंडा के तहत हुकूमत में हूँ और मुझे अपने लोगों की खिदमत करनी है। वो उनका ज़्यादातर ध्यान जो होता है वो लग्जरीज़ की तरफ होता है, और उसका सेकंड जो उनकी कंसंट्रेशन होती है या कंसिडरेशन होती है वो होती है कैसे मैं अपनी पावर को बचा लूँ, कैसे मैं अपनी हुकूमत को बचा लूँ। और ये वही वक्त होता है जब वो हुकूमत गिर जाती है और वो ख़ानदान जो है वो हुकूमत से बाहर हो जाता है, और उसी के पैरेलल में एक और ख़ानदान तैयार हो रहा होता है जो असबियत से जुड़ रहा होता है, और फिर ये साइकिल वंस अगेन जो है वो रिपीट होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आज भी वैसे ही काबिले अमल है। इसी हवाले से मैं चाहूँगा कि मैं आपको पढ़ के भी कुछ सुनाऊँ इस किताब में से। मैंने एक सेलेक्ट किया है टॉपिक, वो है कुछ इस तरह से कि आराम और सकून मुल्क की तबीयत का खासा है। इसका सबब यह है कि किसी कौम की सरतोड़ कोशिश ही से मुल्क हासिल होता है, और दौड़ धूप की इंतहा मुल्क को इक्तदार का हासिल करना है, और जब ये मकसद हासिल हो जाता है तो कोशिशें सर्द हो जाती हैं और पाए मुतालबा आगे नहीं बढ़ता। मुझे ज़माने की कोशिश पर हैरत है जो मुझ में और उसमें जारी है, फिर जब हमारे हालात दुरुस्त हो गए तो ज़माना भी चुप होकर बैठ गया। लिहाजा जब मुल्क मिल जाता है तो लोग उन मुशक्क़तों को छोड़ देते हैं जो मुल्क को हासिल करने के लिए उठाया करते थे, और ऐशो राहत और आराम और सुकून को तरजीह देने लगते हैं। मुल्क के समरात हासिल करने की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, इमारतें बनवाते हैं,
बंगले और कोठियां तैयार कराते हैं और बढ़िया जोड़े तैयार कराकर संदूक भर लेते हैं। ऐसे महल बनवाते हैं कि इंसान देखकर दंग रह जाए और उसमें खूबसूरती और करीने से नहर निकलवाते हैं और दिल फरेब व खुश मनाजिर बाग लगवाते हैं और दुनिया की नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। मुशक्क़तों से नफ़रत और राहतों से मोहब्बत करते हैं और मकदूर भर कपड़ों में, खानों में, बर्तनों में और फ़र्शों में तकल्लुफात से काम लेते हैं और पुरतकल्लुफ ज़िंदगी के आदि बन जाते हैं। फिर बाद वाली नस्ल को ये तकल्लुफात मीरास में मिलते हैं और इनमें तकल्लुफात बढ़ते ही रहते हैं, हत्ता कि हक तआला शाहनहू के हुक्म से एक रोज़ हुकूमत ख़त्म हो जाती है और उसके साथ साथ कौमी शाहाना आन बान भी दफन हो जाती है। अल्लाह ही सबसे अच्छा हाकिम है। बेशक ऐसा ही है। और आप अगर नोटिस करें तो ये बहुत इनका खासा है ये कि इन्होंने इतनी सारी हुकूमतों में से, जो इतने सारे इनसे पहले की जो तारीख़ है उसमें कितने लोगों की हुकूमतें कायम रही होंगी, कि उन्होंने ये मखसूस गलती जो है वो फाइंड आउट की है कि ये तीन जो जनरेशन्स हैं ये हर हुकूमत में जो है वो इसी तरीके से एग्जिस्ट करती रही हैं। और आज भी इस तरह से अगर हम नोटिस करें तो हमारी जो हुकूमतें हैं ये भी इसी तरह से कायम और दायम हैं और इनकी भी यही गलतियां जो हैं वो आपको नज़र आएंगी कि शुरू शुरू में तो ये बहुत क्लोज होते हैं, आपके दरमियान के लोग होते हैं, हम जी आप में से हैं, हम आपको वोट, आप हमें वोट दें, हम आपके मसाइल हल करेंगे, हम असम्बली में जाके आपका जो है वो ये मसला हल करेंगे, वो मसला हल करेंगे। लेकिन फिर जैसे जैसे ये हुकूमत में आते जाते हैं, ये पक्के होते जाते हैं, इनकी इनकी जो है वो पावर का जो दशा होता है वो इनके दिमाग पर चढ़ना शुरू होता है हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, तो वो फिर जो है वो अपनी असबियत से दूर हो जाते हैं, अपनी कौम से दूर हो जाते हैं, उनको पहचानना भूल जाते हैं और एंड में जो है वो ऐशोशरत में पड़ जाते हैं। लाखों किस्म के, हज़ारों किस्म के जो है वो हमारे सामने ये मिसालें हैं और उनके महल और उनकी गाड़ियाँ और उनके घर जो हैं वो हमारी हमें नज़र भी नहीं आते, वो इतने ज़्यादा ऊंचे मुकाम पे पहुँच चुके होते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये किताब ज़रूर हासिल करें और अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि यार मैं कोई एक किताब पढ़ के बहुत सारी मालूम हासिल कर लूँ, तो वो किताब ये वाली उनके लिए है और इसकी कीमत बहुत मुनासिब है, 300 रुपये इसकी कीमत है और इसके अगेंस्ट जो आप उलूम हासिल करेंगे वो बेशक लाजवाल उलूम है और फ़लसफ़ा तारीख़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। वो लोग जो तारीख़ के स्टूडेंट हैं वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें और अगर आप तारीख़ के स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन आप तारीख़ में जो है वो इंटरेस्टेड हैं और आप समझना चाहते हैं कि तारीख़ को लिखा कैसे जाता है और तारीख़ को कैसे लिखा जाना चाहिए, तो भी ये किताब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।